कांगड़ा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज का चुनाव प्रचार जारी है। ज्वाली कोटला और नगर रोटा सूर्या में राजीव भारद्वाज कार्यकर्ता बैठकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता का घर जाकर के मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाए और अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ा जाए। आज 15वां विधानसभा क्षेत्र ज्वाली चल रहा है और बैजनाथ से ये जो काफिला बैजनाथ से ये जीत का अभियान जो शुरू हुआ था, जो मैं अपने 20 दिनों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जो जनता जनार्दन में जोश है, जो कार्यकर्ताओं में जोश है, जो जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं में जोश है, उसको देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि मोदी जी को फिर से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जिस तरह का जोश उत्साह मैं कार्यकर्ताओं में, मातृशक्ति में, नौजवानों में देख रहा हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कांगड़ा चंबा लोकसभा इस बार इतिहास रचनी है जा रही है। हमारी लाइफ लाइन है कांगड़ा की जो रेल है, इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए लोकसभा में बड़े जोरदार शब्दों में ये आवाज उठाऊंगा। दूसरा सबसे भावनात्मक मुद्दा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो यहाँ के क्षेत्रों के लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है। मोदी जी ने 250 करोड़ रुपया धर्मशाला में जो कैंपस बनना उसके लिए भेज दिए। दिल्ली की सरकार ने पर्यावरण की क्लियरेंस कर दी है, उसके एवज में हिमाचल प्रदेश की सरकार को केवल 20 करोड़ रुपए जमा करवाने हैं। और पिछले 8 महीने से सुक्खू जी की सरकार वो 20 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा रही है, इसलिए वो पैसा रुका पड़ा है। ये सुक्खू जी ने, इनकी सरकार ने इसको रोका है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और लोकसभा के चुनाव के बाद इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस बिखरा हुआ है, कांग्रेस में बहुत बड़ा बिखराव है और कांग्रेस के जो ये 10 विधायक हैं, ये अपनी अपनी कुर्सी को और अपना उनको क्या मिल जाए सरकार की ओर से और कैबिनेट स्टेटस साथ में लग जाए, उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। जनता की कोई भी चिंता इनको नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण, आयुष्मान योजना बंद हो गई, हिमकेयर योजना बंद हो गई, सहारा योजना बंद हो गई, तो ये कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के वर्कर किस मुंह लेकर के जनता में जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।